आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। देव स्थानम प्रबंधन विधेयक का चारधाम का पुरोहित समाज लगातार विरोध कर रहा है, तो साथ ही अब कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय चारधाम पुरोहित समाज की महारैली में पहुंचे। साथ ही कांग्रेस देव स्थानम प्रबंधन बिल के विरोध को 2022 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह उनके लिए संजीवनी बन सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं ने चारधाम पुरोहितों के देव स्थानम प्रबंधन विधेयक के विरोध में आयोजित महारैली में पुरोहित समाज को समर्थन दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार चारधाम के पुरोहितों के हक हकूक के साथ खिलवाड़ का कर रही है। प्रदेश सरकार ने रोजगार के मुद्दों को भूलकर इस मुद्दे को पारित किया है। इसका जवाब प्रदेश सरकार को 2022 के चुनाव में देना होगा। यूके लाइव के लिए उत्तरकाशी से वीरेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। सरकार ने उत्तराखंड राज्य की विकास को रोकने का काम, और यही उत्तरकाशी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। इन 3 वर्षों में बताएं राज्य सरकार कौन सा विकास का कार्य उन्होंने इस उत्तरकाशी या गंगोत्री विधानसभा में किया। विकास पूरी तरीके से प्रभावित, आज जो है प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपके सामने है। लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है, इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ना केंद्र सरकार कोई कार्य कर रही है ना राज्य सरकार कोई कार्य कर रही है। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, अभी तक नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पाया। हाँ, मुख्यमंत्री जी रोज जो है बयान जरूर देते हैं कि हम जो है इतने हजार बेरोजगार साथियों को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार जो है समाचार पत्रों तक सीमित है, अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिल पाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किसानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक किसानों का ऋण माफ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमारी होती है जिसमें बिजनेस तय किया जाता है, इन्होंने बाकी सब एक्ट रखे थे यही नहीं रखा, और अचानक एक दिन हमने देखा जो सूची बटी, पहली आपत्ति तो यही की आखिर इसको अचानक क्यों लाए, सबसे आखिरी दिन क्यों लाए, इसे बीच में क्यों नहीं लाए ताकि डिस्कशन होता। खैर, इसका वो अपनी सदन में जब आ गया तब हमने कहा अभी तो एक्ट पता नहीं आपने क्या लिखा है इसमें। तमाम तीर्थ पुरोहित पंडा जो इसी काम में लगे, जिनके 20,000 परिवार जुड़े हैं, वो समझते हैं उनके हक हकूक पर आपने हमला किया है, और जो आशीर्वाद देने का काम करते हैं उनका आशीर्वाद भी आपने नहीं प्राप्त किया। लेकिन जब ये उस बिल को ले आए तो हमने कहा इसे प्रवर समिति को भेज दिया। इसमें विपक्ष एक राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, उनकी भी भागीदारी हो। आप यदि संशोधन नहीं भी मानेंगे तो चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इशारा हो गया इसे पास करा दो, बहुमत के बल पर उन्होंने इसे पास करा दिया। हम तीर्थ पुरोहित पंडितों के बीच में गए, हमने कहा हमारी सरकार आएगी जो आ रही 2022 में, हम इसे पलट देंगे। तो अब ये क्या चाहते हैं ये जाने, ये कौन सा सुधार चाहते हैं। हमें कांग्रेस पार्टी को भरोसे में लेना चाहिए, हम लीडर अपोजिशन है वहाँ। लीडर अपोजिशन मीन्स माने छाया सरकार फैलाती है, तो उन्होंने हमसे भी बात नहीं की, कभी बुलाया भी नहीं। प्रवर समिति के माध्यम से कांग्रेस भी इसमें शामिल होती है, उन्होंने नहीं बुलाया था।